भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की T20I सीरीज का आखिरी और डिसाइडर मुकाबला 7 तारीख को खेला जाने वाला है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम होगा राजकोट का मैदान। यह मैच सीरीज का डिसाइडर होगा, यानी जो भी टीम जीती सीरीज उसके पक्ष में जाएगी। पहला मुकाबला जहां काफी ज्यादा रोचक रहा था, गेंदबाजों ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई थी। भारतीय टीम ने पहला मुकाबला जीतकर सीरीज की शानदार शुरुआत की थी। 2 रन की मामूली अंतर से जीत थी, पर एक शानदार खेल का प्रदर्शन यंग बल्लेबाजों और गेंदबाजों द्वारा रहा था। वहीं श्रीलंकाई टीम ने दूसरा मुकाबला 16 रनों से जीत कर अपना दबदबा दिखा दिया कि क्यों एशियाटिक नेशंस में एशियन चैंपियंस के तौर पर बड़ी टीम बनकर उभर रही है श्रीलंकाई टीम। दाशुन शनाका ने पिछले मुकाबले में काफी शानदार खेल का प्रदर्शन किया, शानदार अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम को एक बड़े टोटल तक पहुंचाया था। दूसरे T20 में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 56 रन ठोक डाले थे। ऐसे में उन पर भरोसा जताया जा सकता है। लंकाई कप्तान गेंदबाजी करने की कला भी रखते हैं, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब भारतीय जो बैटिंग और बॉलिंग अटैक होगा शनाका के खिलाफ उतरेगा, तो उनको पिछले मुकाबले का प्रदर्शन जरूर देखने की उम्मीद होगी। और भारतीय टीम थोड़ा सा सचेत जरूर रहना चाहिए। दाशुन शनाका को बल्लेबाजी में जल्दी आउट करेंगे, वहीं गेंदबाजी में विकेट नहीं देंगे, यह मादा रखने की कोशिश भारतीय टीम करने वाली है आखिरी मुकाबले में। इसके अलावा भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने पिछले मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया था। पहले 2 विकेटें छटकाई थी गेंदबाजी करते हुए, फिर विस्फोटक अंदाज में 65 रनों की शानदार पारी खेली थी। अंत में आउट हुए थे, टीम को जीत नहीं दिला सके थे, पर काफी क्लोज कॉन्टेस्ट कर दिया था। भारतीय पारी थोड़ा स्टार्टिंग में लड़खड़ा रही थी, उससे कमबैक कराकर जो सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल के बीच शानदार साझेदारी हुई थी, उसकी बदौलत भारतीय टीम ने काफी क्लोज कर दिया था कॉन्टेस्ट 16 रनों से। हार का मुंह देखा भारतीय टीम ने, सीरीज 1-1 से बराबरी पर है और सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम सीरीज डिसाइडर का गवाह बनने जा रहा है। राजकोट के मैदान पर जब ये खेला जाएगा, तो वहां का सर्वाधिक स्कोर की अगर बात करी जाए तो 202 रहा है अभी तक। वहीं सबसे लोवेस्ट स्कोर 87 रन का रहा है, जो साउथ अफ्रीका के नाम है अभी तक। यहाँ का औसत स्कोर 164 रन माना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों पर काफी ज्यादा दारोमदार होने वाला है। जो भी टीम टॉस जीतेगी, टॉस भारतीय पिचेस पे काफी ज्यादा अहम हो जाता है, और यही देखने को मिलेगा जब कल का मुकाबला खेला जाएगा। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, और यहीं से कहीं ना कहीं पटकथा लिख दी थी, क्योंकि बैटिंग सरफेस पर पहले गेंदबाजी करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर रहा। यही भारतीय टीम का एक कारण जरूर बना। अब दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात की जाए, कुल 28 मुकाबले T20Is में खेले गए हैं। 18 भारतीय टीम ने जीते हैं, 9 मुकाबले श्रीलंका के कब्जे में रहे हैं, एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 को अगर देखा जाए, तो भारतीय टीम में ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, हार्दिक पांड्या, दीपक हुडा, अक्षर पटेल, शिवम मावी, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, सेम 11 देखने को मिल सकती है। वहीं श्रीलंकाई टीम में भी कोई बदलाव होने की उम्मीद ऐसे है नहीं। जो हमारी टीम ने प्रोबेबल प्लेइंग 11 बनाई है, उस पर नजर डालें तो श्रीलंकाई टीम में पाथुम निसंका, कुशाल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, चरित असलंकर, भानुका राजपक्षा, दशुन शनाका, वनिंदु हासंका, चमिका गर्गरत्ने, महेश तीक्षणा, कसुम रजित है, दिलशान मधुशंका, ये 11 खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन श्रीलंका टीम खिला सकती है। दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात की जाए, विकेट कीपिंग में हमने ईशान किशन, कुशाल मेंडिस को शामिल किया है, बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव, राहुल त्रिपाठी, दाशुन शनाका पर भरोसा जताया है। ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, वनिंदु हासरंगा हमारी टीम में शामिल है। गेंदबाजी में दिलशान मधुशंका, शिवम मावी, उमरान मलिक को हमने अपनी टीम में जोड़ा है। आप अपनी फैंटेसी टीम को पूरी सूझबूझ समझ के साथ बनाइएगा। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी टीम ने काफी ज्यादा एनालिसिस करके फैंटेसी टीम बनाई है, तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है हमारी फैंटेसी टीम की तरफ से। क्रिकेट एंड मोर को ढेर सारा प्यार दे, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर फॉलो करें अगर आप क्रिकेट रिलेटेड इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।